ओके सो हियर वी आर एंड ये है आप सभी जैसे जानते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्शन जहां पे मैं देता हूं आपके सवालों के जवाब इन दिस सेगमेंट दैट वी कॉल आस्क टीजी। देखते हैं इस एपिसोड में हमको क्या सवाल मिले हैं। हाय टीजी, इज द इंस्टा 360 X4 वर्थ अपग्रेडिंग फ्रॉम द इंस्टा 360 X3 कैमरा? ऑल्सो डू यू थिंक देयर आर एनी अदर अल्टरनेटिव्स? I'll give you my honest takeaway. Insta360 is doing really good in terms of these 360 cameras, action cameras, small cameras and everything. But I would say, please don't upgrade to the X4 if you already have an X3. Because X3 is really powerful in itself. Or Insta360 X3 bahut achhe options leke aata hai. It's a well-rounded deal altogether. So if in case you already have it, there is no point for you to upgrade to the X4 or any other camera for that matter. आप उसको अभी use कर सकते हैं for at least I would say एक और साल तक before you see any substantial upgrade in this technology. और हो सकता है अगले आने वाले जो models होंगे वो आपको ज़्यादा exciting लगेंगे। नमस्ते technical guru जी, मैं online class में पढ़ती हूँ और मुझसे ज़्यादा time के लिए earphones नहीं पहने जाते। क्या आप मुझे ऐसे earphones या headphones suggest कर सकते हैं जिन्हें हम 3 से 4 घंटे पहन सकें? मैं आपको दो सलाह दूंगा मेरी तरफ से। सबसे पहला तो अगर आप ईयरफोन्स यूज़ करते हैं तो उसमें आप ईयर टिप को चेंज करके देखिए, बिकॉज़ कई बार उसका साइज़ अगर आप चेंज करेंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा और आप लंबे टाइम तक उनको पहन पाएंगे। सेकंड थिंग, अगर आपको स्टिल लगता है कि ईयरफोन्स जो हैं ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक ओवर ईयर स्टाइल का हेडफोन लें। ओवर ईयर से मेरा मतलब ये है द कुशन गोज ऑल अराउंड योर ईयर, और आपके कान के चारों तरफ जब कुशन लगेगा एंड कान बीच में आपका फ्री रहेगा तो कंफर्टेबली आप लंबे समय तक उनको पहन पाएंगे। तो बेसिकली मार्केट में आपको ऑप्शन मिलेगा ऑन ईयर हेडफोन्स का भी, बट आई वुड रिकमेंड इफ यू कैन गो विद द ओवर ईयर डिज़ाइन, और उससे पहले एक बार आप अपने ईयरफोन्स का जो टिप है उसको चेंज कर देखिए, हो सकता है आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। ओके सो यू आर लाइक मी बिकॉज आई पर्सनली लाइक नेक बैंड स्टाइल एज वेल, बिकॉज काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है स्पेशली वाइल वर्किंग आउट या रनिंग। और मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, यू कैन गो फॉर द CMF नेक बैंड प्रो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और वन प्लस की तरफ से आने वाला द बुलेट वायरलेस नेक बैंड स्टाइल में जो आता है Z2 Pro, इट ऑल्सो हैज़ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, वो बहुत अच्छा है। आप Realme का भी एक ऑप्शन आता है, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली आपको 7,000 जितना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। Well, within your budget, you'll have multiple options. You can choose any of these. They're all very good. According to you, which one is better, Gemini or ChatGPT? Thank you. Quite interesting question, to be honest. But I would say, as of now, it's still, going to be even more mature. But I would have my bets on Gemini. And the reason is, कि इट वुड गिव यू अ कम्प्लीट 360 अप्रोच इन टर्म्स ऑफ पुटिंग AI अक्रॉस डिफरेंट ऐप्स एंड सर्विसेज जो आप यूज़ करते हैं। Gemini गूगल कैलेंडर में काम करेगा, गूगल फोटोज़ में काम करेगा, ये Gmail में काम करेगा। तो मतलब बेसिकली इट्स नॉट जस्ट लाइक अ चैट बॉट, ये एक AI असिस्टेंट की तरह काम करने वाला है। सो आई विल हैव माई बेट्स ऑन गूगल Gemini।